हेलो गाइस, आज सोम का लेक्चर वन हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक सोम का है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सोम, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इसका पहला टॉपिक है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरी सोम है, वो है स्ट्रेस। कि स्ट्रेस होता क्या है, तो इसको शॉर्ट अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है इंटरनल रेसिस्टेंस, इन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो ये मतलब है स्ट्रेस का, आसान भाषा में। यानी कि किसी भी बॉडी पर हम अगर बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉडी के अंदर भी एक इंटरनल फोर्स होता है जो कि बाहर के फोर्स को रेजिस्ट करता है। ये आप जैसे किसी रबड़ को आप दबाओ, या फिर किसी भी चीज़ को आप दबाओ, तो आप ऐसा महसूस करोगे कि अंदर से भी कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि अपने बाहर के फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। इसी फोर्स, इंटरनल फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये बिल्कुल प्रेशर की तरह है, लेकिन प्रेशर में बाहर की तरफ होता है और स्ट्रेस में अंदर की तरफ बॉडी के। ठीक है, तो अगर हम इसको आप बुकिश लैंग्वेज में देखें तो ये है स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये है। ठीक है, तो इसको हम समझ एक डायग्राम से समझे। जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, ठीक, इस पर कोई फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, मान लो। ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से, इस लोड की वजह से इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। यही मतलब है स्ट्रेस का। फिर और अगर लोड की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी तो क्या होगा, ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो और स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। पी क्या है, लोड है, जो कि हमने देखा रेशियो ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो पी एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन इज एरिया इज इक्वल टू ए। तो देखो, अब बाहर से लोड लग रहा है इस बॉडी पर और इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो बस यही है इस स्ट्रेस का मतलब, ये रहा स्ट्रेस। तो इसकी हम यूनिट जानते हैं, इसकी यूनिट होती है लोड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक, एरिया एम एम स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अब स्ट्रेस की यूनिट देखते हैं हम, और यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होता ये न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर, हमको कन्वर्ट करना पड़ता है क्वेश्चन में। तो कैसे करते हैं, मान लो क्वेश्चन में जैसे दे रखा हूँ 1 किलो पास्कल। ठीक है, तो अब हमें न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। किलो को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3, और पास्कल को क्या लिख सकते हैं हम, पास्कल लिख सकते क्या, ये होता ही है न्यूटन अपॉन मीटर का होल स्क्वायर। पास्कल यही होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 12th 11th में। ठीक, तो अब मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 10 के पावर 3 न्यूटन अपॉन मीटर को, मीटर को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 mm, और इस पूरे का होल स्क्वायर जो कि मीटर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। तो और अब कट कुट के मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 6 mm स्क्वायर, और ये
ये न्यूटन चल ही रहा है। तो अब इससे ये कट गया तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये ऊपर गया तो इज इक्वल टू कुल मिला के ये आ गया 10^-3 न्यूटन अपॉन mm². तो जब भी हमें किलो पास्कल को कन्वर्ट करना होगा तो हम इस तरह से करेंगे 10^-3 न्यूटन अपॉन मीटर mm². जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमको गिवन है 50 किलो पास्कल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे न्यूमेरिकली सॉल्व करते वक्त, इसको लिखेंगे हम 50 × 10^-3 न्यूटन अपॉन mm². ठीक है, एक और एग्जांपल 70 किलो पास्कल इज इक्वल टू 70 × 10^-3 न्यूटन अपॉन mm². ठीक है, और इसी तरह एक होता है मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल क्या होता है, जैसे देख लो मेगा पास्कल MPa, जैसे 1 MPa। अब इसको कैसे लिखेंगे मेगा पास्कल को, 10^ मेगा क्या होता है 6 होता है, और पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बस इसी तरह ये 10^6 अपॉन 10^6 न्यूटन अपॉन mm², ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो कभी भी मेगा पास्कल हो, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो 55 मेगा पास्कल, तो इसको हम लिख देंगे 55 × 1 न्यूटन अपॉन mm². 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही होता है, ये तो बस इस समझाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह एक होता है गीगा पास्कल, जैसे मान लो ये है गीगा पास्कल, तो ये होता है 10^9 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये क्या पास्कल को हम ये लिख दिया, ठीक। तो इसी तरह 10^9 अपॉन 10^6 कट कुटा के 10^3 न्यूटन अपॉन mm². इसका एक एग्जांपल हम देखें तो वो एग्जांपल होगा जैसे कुछ भी 50 GPa क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 50 × 10^3 न्यूटन अपॉन mm². ओके, तो इस तरह से हम यूनिट स्ट्रेस की यूनिट मालूम करते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है और उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो पूरी सोम में सिर्फ स्ट्रेस ही है, तो स्ट्रेस तो समझ में आ ही जाएगा। पहला टाइप होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, अगर बुकिश लैंग्वेज में देखें तो हम इट इज़ स्ट्रेस, ये एक स्ट्रेस होता है प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होता है इन अ मेंबर यानी बॉडी के अंदर, ड्यू टू क्योंकि पुल टाइप ऑफ लोड या फोर्स कुछ भी, ठीक है। तो ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, और इसको समझने के लिए मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है। अब लोड क्या है, इस बॉडी पर लोड पुल टाइप लग रहा है, जैसे ट्रेन में चेन खींचते हैं ना, तो हम पुल करते हैं यानी खींचते हैं। तो इस बॉडी को हम जब खींचते हैं बाहर की साइड, तो इसको कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। तो अंदर की साइड जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस होती है, ठीक। और उसी तरह और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी से, इस टी का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, बस यही है और कुछ नहीं है। और सेकंड है, बस इसको ध्यान हमें मालूम होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है, जब बाहर की साइड कोई लोड लगता है तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और इसका अपोजिट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि पहले बुकिश लैंग्वेज लिख देते हैं, इट इज़ स्ट्रेस, ये एक स्ट्रेस होता है इन अ मेंबर के अंदर यानी बॉडी के अंदर, ड्यू टू पुश टाइप
ऑफ लोड, पुश टाइप ऑफ लोड की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है बॉडी के अंदर उसको हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और समझने के लिए जैसे मान लो ये एक बॉडी है और इसमें इस तरह का फोर्स लग रहा है यानी कॉम्प्रेसिव लग रहा है, तो इस और इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी के अंदर उसको कहते हैं हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा सी, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये दो तो बहुत आसान थे, अब तीसरा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाकियों के मुकाबले। ये है शीयर स्ट्रेस, टोटल पांच होते हैं तो ये तीसरा है शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस नाउ पहले बुकिश लैंग्वेज हम लिख दें तो इट इज़ अ स्ट्रेस, ये एक स्ट्रेस होता है, इट इज स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मेंबर यानी बॉडी के अंदर ड्यू टू व्हेन लोड इज, जब लोड इज टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बॉडी का उसके टेंजेंशनल जब लोड लगता है उसी को कहते हैं हम शीयर स्ट्रेस। शीयर यानी देखो समझने के लिए, जैसे मान लो ये दो बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी है, ठीक है, एक लोड लग रहा है इधर, ओके, और एक लग रहा है इधर, और ये दो जॉइंट भी होंगे किसी चीज़ से, नट बोल्ट जिससे भी, ठीक है। अब क्या होगा, एक लग रहा है इधर और एक लग रहा है इधर, तो इससे क्या होगा, ये स्लिप कर जाएगा, ये इधर चल जाएगा, वो इधर चल जाएगा, लेकिन ये रेसिस्ट करेगा उसको। तो क्या होगा, जब ज़्यादा ही लोड लगा देंगे तो एक वक्त आएगा जब ये बीच से टूट जाएगा, यही केस होगा, वो उधर हो जाएगा, ये उधर जाएगा। तो नट कैसे टूटेगा, देखो ये होगा, ये एक हिस्सा इधर आ जाएगा और एक हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये बोल्ट टूट जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे, इसी को कहते हैं हम शीयर स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है और टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो यही है शीयर स्ट्रेस। बुकिश लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जबकि समझना बहुत आसान है। और इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से, टाउ ये टी बनाओ और फिर साइड में थोड़ा मोड़ दो, टाउ और एफ एस, इन दोनों से हम इसको डिनोट करते हैं। जब भी ये आए तो समझ लेना वो शीयर स्ट्रेस है। शीयर स्ट्रेस मतलब बट गया दोनों तरफ, आधा उधर चल गया आधा इधर चल गया, ठीक है। और इसी तरह डबल शीयर भी होता है, वो भी बहुत आसान होता है। ये दो बॉडी है लेकिन डबल में तीन बॉडी होती है, इस तरह से एक इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, और ये जॉइंट होता है, ठीक, ये जॉइंट हो गया इससे। तो क्या होगा, जब तीनों ज़्यादा ही लोड लग जाएगा तो ये बोल्ट जो है जिस चीज़ से भी हमने इसको जॉइंट कर रखा वो तीन हिस्सों में टूट जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम डबल शीयर स्ट्रेस। तो इसका हम इस बोल्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इस डबल के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और सिंगल के लिए बस पाई बाई फोर डी स्क्वायर इसका एरिया इस तरह से। अब ये कब निकालते हैं कैसे निकालते हैं ये जब इसका अलग से डिटेल में आएगा तब समझेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं इस, ठीक। फोर्थ आता है टॉर्शनल स्ट्रेस, ठीक है, TORSI टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस। ये क्या होता है टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस, टॉर्क, ये आपने 12th 11th में पढ़ा होगा। यानी देखो जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी है और ये एक बियर है यानी जॉइंट है उससे, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये जो है ये घूम रहा है, टॉर्क यानी घूम रहा है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो बियर है ये इसके अपोजिट साइड घूम रहा है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसी को कहते हैं हम
टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। तो इसकी बुकिश लैंग्वेज है, इट इज अ शेयर। इसको सिर्फ अभी बेसिक के तौर पर समझो, ये पूरा इसका पूरा एक यूनिट ही है समझ लो, तो उसमें तो फिर समझना ही अच्छे तरीके से। ये तो सिर्फ बेसिक्स है। विच एग्जिट्स इन रोटेटिंग मेंबर लाइक शाफ्ट्स, देन इट इज डिनोटेड बाय, ये भी टाउ से ही डिनोट होता है और एफ एस से, क्योंकि ये टॉर्शनल वही है। ठीक है, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस का मतलब तो समझ में आया ना, बस घूम रहा है ये समझ लो, घूमता हुआ है, बाकी जो है वो नहीं घूमते, बस यही मतलब है। और पांचवा और आखिरी है बेंडिंग स्ट्रेस, ये तो सबसे इजी है। बेंडिंग स्ट्रेस इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, मान लो कि ये कैंटिलीवर बीम है, मान लो कि अब ये एक बॉडी है, ठीक है, अब क्या हुआ, इधर लोड लग रहा है, तो इस लोड लगने की वजह से ये बेंड हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो इसी को कहेंगे हम बेंडिंग स्ट्रेस, इसका पूरा यूनिट है, तो तब हम अच्छे से समझेंगे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो इसको हम बुकिश लैंग्वेज में समझें, इट इज स्ट्रेस विच कॉज एलोंगेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ मेंबर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, देखो आप, ठीक है, और ये बेंड हो जाता है, यही मतलब है। बुकिश लैंग्वेज पे ध्यान मत दो अभी, सिर्फ समझ लो, क्योंकि बेसिक है, पांचों जो है उसके अलग से पूरी पूरी यूनिट्स है उसी पर, तो तब समझें, तब अच्छे से समझ में आएगा। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा बी, इसको सिग्मा बी से हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक्स।